सहारनपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 44वें वार्षिक मेडिकल सेमिनार में दिखा चिकित्सकों का उत्साह। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्रा और महापौर डॉक्टर अजय सिंह और आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर कलीम अहमद और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर राठी और यूपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर बबीता गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया उद्घाटन और स्मारिका का विमोचन। डॉक्टर विकास अग्रवाल और डॉक्टर सौम्या जैन, डॉक्टर रजनीश दहूजा, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, रविकांत निरंकारी, डॉक्टर अनुपम मालिक आदि ने किया आए हुए स्पीकर्स का स्वागत। देखिए, समय समय पर पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस प्रकार के जो मेडिकल सेमिनार हैं वो आयोजित होते रहते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस में क्या है कि हमेशा नई नई चीज़ें खोजी जाती रहती है, तो उनकी जानकारी जो है वो चिकित्सकों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी क्रम में सभी शहरों में प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं और हमारे सहारनपुर में भी लगभग पिछले 40 सालों से लगातार ये आयोजन हो रहा है, जिसे हम मेडिकॉन का नाम देते हैं। ये वार्षिक मेडिकल सेमिनार है और इसमें दिल्ली से, मुंबई से और भी अनेक शहरों से, देहरादून से जो बहुत ही अच्छे विषय विशेषज्ञ हैं, चाहे वो मेडिसिन के हैं, चाहे सर्जरी के हैं, चाहे यूरोलॉजी के हैं, चाहे पीडियाट्रिक्स के हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे पास आज वक्ता स्पीकर आए हुए हैं, जो कि सहारनपुर के डॉक्टर्स को ये जानकारी देंगे कि क्या नई रिसर्च हो चुकी हैं और किस तरह से जो नई गाइडलाइन है वो आई है। और फिर जब वो चीज़ें डॉक्टर्स तक पहुँचती तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मरीज़ को ही होता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।